शाहरुख खान के दुआ पढ़ने के बाद फूकने की कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो रही, जहां कल पूरा दिन गुजर गया ये समझाने के लिए कि शाहरुख खान ने लता जी के अंतिम दर्शन करते वक्त दुआ मांगकर थूका नहीं बल्कि फूका था, वहीं आज एक नई ही बात शुरू हो गई कि आखिर शाहरुख खान को किसने कहा वहां पर फतीहा पढ़ने के लिए, और उनके फतीहा पढ़ने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यही कारण है कि अब शाहरुख खान पर केस कर दिया गया है। ये केस किया है आर्यन सिंह नाम के एक शख्स ने। बिहार के हाजीपुर के कोर्ट में ये केस दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया कि इंडियन नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर पर ना सिर्फ शाहरुख खान ने फतीहा पढ़ा बल्कि फूक भी मारा, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और अब शाहरुख खान पर इस मामले के लिए कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इंडस्ट्री से कई सारे लोग शाहरुख खान के सपोर्ट में आए, जबरदस्ती शाहरुख खान को टारगेट करने की बात की जा रही है और अलग ही मुद्दा जबरदस्ती चलाया जा रहा है। उर्मिला मातोंडकर ने भी कहा कि कम से कम इस दिन तो इस तरह की हरकत ना करते। उनका मानना है कि एक सेक्शन है जो ज़बरदस्ती शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो शाहरुख ने किया वो बिल्कुल आम बात है। आप किसी भी इस्लाम फॉलो करने वाले व्यक्ति को ऐसा करते हुए देख सकते हैं। मस्जिदों में तो अक्सर यही होता है, दुआ जब मांगी जाती है तो सीने के सामने हाथ रख कर ये दुआ मांगी जाती है और उस दुआ को फूंक मार कर अल्लाह तक पहुँचाया जाता है। बिना फूंक मारे वो दुआ आगे नहीं पहुँचती है, और यही कुछ शाहरुख खान ने किया। उनके धर्म में जिस तरीके से दुआ मांगी जाती है या जिस तरीके से प्रेयर की जाती है, उन्होंने उस तरीके से प्रेयर की, लेकिन लोग इसका एक अलग ही मतलब निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप्स जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं।